ओ भाई मारो मुझे। पठान ने बॉक्स ऑफिस पर जो तबाही मचाई है उसे समेटने में सालों लगने वाले हैं। इतना भी कमाई नहीं करनी थी कि बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार किड को घमंड हो जाए। रिपब्लिक डे का पूरा फायदा पठान ने उठाया है। पठान ने दूसरे दिन अपने पहले दिन से भी ज्यादा कमाई की है, जिसके बाद पठान को रोकना मुश्किल लग रहा है। पठान ने 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर दिया है। विश्वास नहीं हो रहा, बॉयकॉट गैंग की बैंड बजा दी है शाहरुख खान ने। फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में 57 करोड़ की कमाई की, जिस रिकॉर्ड को पठान ने दूसरे दिन तोड़ दिया। KGF 2 और बाहुबली के पहले दिन के रिकॉर्ड को पठान ने पहले ही तोड़ दिया है। सबको लगता था कि पठान दूसरे दिन करीब 60 करोड़ की कमाई करेगी, लेकिन दूसरे दिन पठान ने 70 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर डाली। लेकिन पठान का तूफान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये तो बस एक शुरुआत है। आपको बता दें, फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 235 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की है। मात्र 2 दिन में पठान ने बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना दिया है। 32 सालों के बाद कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है कि बॉक्स ऑफिस हाउसफुल हो गई हो। ये शाहरुख खान की वजह से ही हो पाया है। अभी पठान के पास पूरे 5 दिन बचे हैं हाई कलेक्शन करने के लिए। अभी बहुत से रिकॉर्ड टूटने बाकी है। बाकी आपने फिल्म देखी या नहीं कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।